हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी बेटा साइंस की सिक्स क्लास की बेटा वर्कशीट है आपकी। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 24 और जो हमारी डेट है वो है 23 दिसंबर 2020। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 9th, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके सराउंडिंग, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उनके बारे में हमें समझना है। आज हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स को मतलब पढ़ेंगे, जर्नी लेंगे उसके। जैसे आज हम क्या है, हमारा जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है और हमारा जो जो हमारा एक्वेटिक है उसको आज हम पढ़ेंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू बी इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। के जो प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, मतलब लैंड पर रहते हैं, वो क्या माने जाते हैं, वो क्या टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के माने जाते हैं। जैसे, और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ग्रास लैंड, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या टेरिस्ट्रियल हैबिटेट होता है। क्वेश्चन आ गया कि टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को भी आप कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो। डेजर्ट्स मतलब ये हमारा रेगिस्तान का टाइप, माउंटेन मतलब जहाँ पे पहाड़ हैं, और ग्रासलैंड। अब क्या आता है कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी इन एक्वेटिक प्लांट। के जो हमारे जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, जो क्या है, वो जो पानी में रहते हैं, वो उनका क्या है, वो उनका हैबिटेट माना जाता है। उनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक मतलब जलीय। अब जलीय भी अलग अलग होते हैं, ओशियन, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, ये मतलब ये भी क्या है, सारे एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं ये। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एडेप्टिव फीचर्स इन डेजर्ट प्लांट, के जो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, जो प्लांट, जो जो मतलब एनिमल्स हो या कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म हो, वो डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट में रहता है, तो डेजर्ट प्लांट के क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब डेजर्ट प्लांट अपना वो कैसे उस स्थिति में जो है ढाल रहा है, वो हम पढ़ते हैं। कि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम के जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका बहुत अच्छा रूट सिस्टम होता है। लीव्स आर ईदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, के जो लीव्स होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, या स्पाइन मतलब कांटेदार हो जाते हैं। ताकि क्यों हो जाती हैं, ताकि जो उनका जो जो वाटर का जो मतलब वाटर का जो लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, वो कम हो सके। स्टेम इज़ ग्रीन एंड फ्लैशी इन सम प्लांट्स, जो स्टेम होती है वो ग्रीन हो जाती है सम प्लांट्स में और फ्लैशी हो जाती है। स्टेम इज़ आल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जो स्टेम होती है उस पर क्या थिक लेयर मतलब चढ़ी होती है वैक्स की, ताकि जो वाटर का जो लॉस है वो कम हो सके और उसके अंदर जो वाटर है रिटेन रह सके, जैसे कैक्टस में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि जो फीचर्स हैं डेजर्ट प्लांट्स के। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनका क्या फीचर है, मतलब वो अपने आप को जो उनका हैबिटेट है उसमें अपने आप को कैसे ढाल रहे हैं। जैसे हम जो हम क्या अपने आप को भी ढाल रहे हैं अपने हैबिटेट में, कैसे जब गर्मी होती है तो हम कुछ भी पंखा चल लेते हैं, इस तरह के हम भी अपने आप को ढालते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं। ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट्स अपने आप को, उनके अंदर भी कुछ जो है एडेप्टिव फीचर्स हैं जो वो अपने आप को ढाल पा रहे हैं। क्या है, एक तो कि रूट्स आर रिड्यूस इन साइज विच होल्ड्स अ प्लांट, क्या रूट्स देखकर छोटी हो जाती हैं जो प्लांट को बहुत मजबूती से पकड़े रखती हैं। स्टेम लंबा हो जाता है, होलो हो जाता है और लॉन्ग लाइट हो जाता है। जो स्टेम होता है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, हल्का हो जाता है और खोखला हो जाता है, क्योंकि ताकि वो ऊपर तक तैर सके, जो हल्का होगा वही तैर पाएगा। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं। एंड द लीव्स आर कवर्ड बाई वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट्स द लीव फ्रॉम एक्सेसिव वाटर, वो क्या है, जो लीव्स होते हैं वो भी क्या है वैक्सी लेयर से कवर्ड होते हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए बहुत ही ज़्यादा वाटर से, जैसे लोटस में होता है आपका। ठीक है, तो ये हमने समझा कि क्या क्या उनकी अडेप्टिव फीचर्स है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कि सिर्फ हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द बिलो गिवन बिलो एनिमल्स एज टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, हमें बताना है कि ये जो एनिमल्स हमारे दे रखे हैं ये किस किस टेरेस्ट्रियल, ये कौन कौन से हैबिटेट हैं इनके। जो हमारे लोयन है ये क्या है हमारा, ये टेरेस्ट्रियल, ये कौन सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इसका, कौन सा है, हम क्या लिख देंगे, ये TERR, इसका क्या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हम क्या लिख देंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट। अब हमारा जी हमें पता चल रहा है ये क्या है हमारा लोटस, ये क्या है इसका एक्वेटिक होता है, हम क्या लिख देंगे, एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, हैबिटेट। और जो हमारी फिश है ये भी क्या है पानी में रहती है, तो ये इसका भी जो हैबिटेट वो क्या होगा, वो भी एक्वेटिक होगा। आप इसका भी क्या है एक्वेटिक, स्पेलिंग बेटा ध्यान से लिखना, AAQU बेटा ये यू है, ठीक है, यू कर लेना इसको, यहाँ से भी देख सकते हैं, ए दोबारा से लिख देते हैं एक बार। इसका भी क्या है हमारा जो फिश है इसका भी क्या, कौन सा हैबिटेट है, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, अगर स्पेलिंग समझ में ना है बच्चे
तो ऊपर से प्लीज़ देख लीजिए, लेकिन देख लिया करो, लेकिन गलत मत कीजिएगा, बाय चांस हो सकता है हमारे से भी गलत हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा ये है, जो ऊँट है, कैमल है, ये कहाँ पे रहता है, ये भी, इसका भी कौन सा हैबिटेट है, वो टेरेस्ट्रियल है। क्या? टेरेस्ट्रियल, TER, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और वैसे कहाँ रहता है, ये डेजर्ट में रहता है, लेकिन हमें से सिर्फ टेरेस्ट्रियल और उसमें डिवाइड करना है, उसके पार्ट्स नहीं पूछे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हैबिटेट, तो बच्चों ये हैबिटेट, तो बच्चों ये आपकी आज की बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चे अच्छी लगी ही होगी मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चे लाइक का बटन दबाइए, साथ में बच्चों जो जो बच्चे नया है हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बच्चों उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, सराहा रहे हैं, उसके तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, और COVID-19 से बच के रहिए, क्योंकि सुनने में आया कि एक वायरस और आ गया। ठीक है, तो हो सके तो घर में रहो, मजे करो, पढ़ो लिखो, और जहाँ जाना पड़ जाए बाई चांस मास्क लगा के जाओ, 2 गज दूरी का ध्यान रखो, अपने हाथों को वॉश करो। चलो बच्चों, बाय।